मेरा नाम तारा चंद्रावत है, मैं इनका पार्षद हूँ। जैसे कि यहाँ सारे व्यापारियों को जानकारी है कि हर 3 वर्ष में चुनाव होता है। इस बार लेकिन ऐसा एक नई परंपरा बनाई चुनाव अधिकारियों ने, उन चुनाव अधिकारियों ने चुनाव का टालने का काम किया और एक साल जो अध्यक्ष मौजूदा था उसी को फिर पुनः अध्यक्ष बना दिया 1 वर्ष। ये बात हम तक पहुंची, व्यापारियों ने हमको बताया कि पार्षद जी अन्याय हो रहा, व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। मैंने कहा ठीक है, आप सब एक साथ बैठिए, हम उस पर विचार करते हैं। हम सब लोग एक साथ बैठे, एक मीटिंग हुई डीबीएल लॉन में, उसमें तय हुआ कि नहीं, पार्षद जी चुनाव पुनः तुरंत होगा। कुछ कारण ऐसे रहे जो दीपावली पड़ गई जिससे चुनाव नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आज और कल मैंने एक चीज़ देखी फेसबुक पे, एक नई चीज़ चली जिसमें कि नया व्यापार मंडल नियुक्त कर लिया गया अपनी तानाशाही से, अपनी मर्जी से। उन लोगों ने किसी को बताना उचित नहीं समझा, मतलब व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम लोग धीरपाल जी के साथ हैं और मैं एक चीज़ और साफ कहना चाहता हूँ कि मैंने वहीं पर कहा था उन पदाधिकारियों से, अगर आप चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो आप लिख के दीजिए, हम चुनाव अधिकारी नए बना लेंगे और हम लोग चुनाव कराना चाह रहे हैं। उन लोगों ने कहा नहीं पार्षद जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग चुनाव कराएंगे। फिर मैं इस मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उन लोगों ने क्षेत्रीय व्यापारियों के साथ क्यों इतना बड़ा धोखा किया। पहले तो 50-50 रुपये की ये रसीद जाके मार्केट काट रहे हैं, उसके बाद फिर अचानक अपनी मर्जी से, अपनी तानाशाही से, अपनी दबंगई से उन लोगों ने एक व्यापार मंडल को नियुक्त कर दिया और अध्यक्ष बना दिया। पार्षद जी, ये कौन लोग हैं जो फर्जी तरीके रसीदे काट रहे हैं और गुमराह करने के? रामशंकर राजपूत जी हैं, गिरिराज जी हैं, गुड्डू सिंह जी हैं, 6 चुनाव अधिकारी हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा समझा और हम इन व्यापारियों को बहुत ही छोटा उन्होंने साबित करने का काम किया है। तो मैं चाहता हूं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वर्तमान का अध्यक्ष है, मैंने आने से पहले उससे भी एक बार बात की, मैंने कहा अध्यक्ष जी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप क्या चाहते हैं, चुनाव हो या ना हो, आप उस मीटिंग में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक डेथ हो गई है, मैं इस कारण नहीं आ पाया, लेकिन मैं भी चाह रहा हूं कि चुनाव तुरंत हो, चुनाव के साथ में कि चुनाव होना चाहिए। तो मैं धीरपाल जी को बधाई देता हूं, मैं सारे व्यापारियों के साथ हूं, लेकिन ये तानाशाही पहली बार हो रही है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिससे कि चुनाव ना कराया जाए। चुनाव ऐसा आखिर क्या कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है जिसका साथ उन लोग देना चाह रहे थे वो चुनाव हार जाएगा। तो क्या आप जल्दी चुनाव होगा? जैसे अभी भैया ने